बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, इनके आरएसएस के वाइस चांसलर ने वहाँ पर जाकर ये बोला कि महिलाएं बाहर क्यों निकलती हैं। तो एज अ वुमेन ये मेरे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं मोदी सरकार को 2019 में चैलेंज करूँ। But clearly the Delhi University campus fire is spreading. In the civil dress, they are misbehaving with the people, misbehaving with the women. इस संघर्ष को खत्म करना, लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं कि इस संघर्ष को तुम दबा नहीं पाओगे। हम लोग मोदी सरकार को सीधा चुनौती दे रहे हैं। आपने हमको वादा किया है, वादा को निभाइए। अगर नहीं निभा सकते हैं, आप जाइए। ये सरकार डिवाइसिव एजेंडा के आधार पर ही रूल करना चाहती है। वो डिवाइसिव एजेंडा है कि जाति धर्म के नाम पे समाज को बांट के किसी तरीके से अपनी राजनीति करना। अब जो रियल इश्यूज़ हैं समाज के, वो है शिक्षा, बेरोजगारी, इन इश्यूज़ पे ये सरकार फेल हो चुकी है। When it comes to safe spaces, creating safe spaces for women on campus, one of the important things that Pinjathur movement has also been talking about is that we do not want the government or the university admin to act like a patriarch and control our bodies. So in the name of security, they shouldn't be securitizing our bodies. And that is not something that we are saying. It is also the UGC regulation of 2016 which has made that very evident. Instead of providing all campuses with autonomous ICCs, which are internal complaints committees, and autonomous GS cash committees, the government and the administration in JNU has actually dissolved the GS cash which was already existing in JNU. So what we are seeing is that in the name of security, they are more than willing to lock us up in cages, lock us up in hostels. चलो जिस तरह से फंड कट किया जा रहा है, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी अपनाई जा रही है यूनिवर्सिटीज़ में, तो साफ दर्शाता है कि ये गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एक जो निचला तबका है वो आगे जाके पढ़ाई करे, या जो एक बैकवर्ड हैं, या जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो किसी भी तरह से आगे बढ़ें। वो हैम्पर करना चाहते हैं, वो एक ब्राह्मणाइजेशन पॉलिसी अपनी फॉलो करना चाह रहे हैं। तो इस लिहाज से जो भी सब कर रहे हैं, अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे सेंटर्स, तीन सेंटर्स हैं, मल्लापुरम, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, वहाँ तीनों का फंड बिल्कुल कट करते हैं, कोई फंड सेंक्शन ही नहीं कर रही सरकार। लास्ट ईयर दिस इंट्रोड्यूस दिस चेंज, बेसिकली दे कैंसल द फी वेवर्स दैट वर अवेलेबल फॉर दिस UIPMS स्टूडेंट्स। सो आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट व्हाट दिस UIPMS पर्टिकुलर यू नो पॉलिसी हैज़ बीन। The government of India gives scholarships to marginalized students, students from SC, ST and OBC students who come from an income level which is below 2.5 lakh for SC and ST and 1 lakh for OBC and NC students. So for them, this used to provide an additional economic support to basically cover their hostel and dining hall fees. So and this amount was you know adjusted from the funding that was given by UGC. Once the UGC you know reduced the funding to TISS, this was forced to you know stop that economic support, basically hostel and dining hall fee waivers basically. So this is how the students in TISS have been directly impacted by the fund cuts. There was a large scale massive protest in TISS Mumbai, and it spread to other off campuses, that is Hyderabad, Tuljapur and Guwahati as well. जिस हिसाब से मोदी सरकार ने पिछले 4.5 साल में नौजवानों के साथ, यंग इंडिया के साथ जिसकी एस्पिरेशन था, जिसके नाम पे सरकार चुन के आया है, उसको धोखा दिया है, रोजगार नहीं दिया, शिक्षा नहीं दिया। रोहित वेमुला को याद कीजिए, उसका इंस्टीट्यूशनल मर्डर कराया था। अब याद कीजिए उन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के बारे में, उन मुस्लिम स्टूडेंट्स के बारे में जब कैंपस पढ़ने के लिए आए थे, नजीब अहमद का बात अब याद रखिए, उसको EBP मारा था, उसके बाद वो गायब हुआ, सरकार ने उसको इंसाफ नहीं दिया। मैं एक नेता, एक स्टूडेंट लीडर के नाते मैं चाहता हूँ कि 2019 में इस यंग इंडिया का एक आवाज़ दिल्ली की सड़क में, इस दिल्ली के सड़क में देश भर में गूंजे। इसीलिए हम लोगों ने
जितने आंदोलन साढ़े चार साल में हुआ है मोदी सरकार के खिलाफ, उनके नीतियों के खिलाफ, यूथ का, स्टूडेंट का, उन सबको एक प्लेटफॉर्म में लाए हैं। वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं जातियों की बोलियों की फूट हो, वो चाहते हैं धर्म